कल इस मछली की दोस्तों आखिरी सांसें थी, मैं समझ रहा था कि ये मर जाएगी, यहाँ पर पड़ी हुई थी। ऑस्कर फिश तो बेचारी हमारी चली गई हमें छोड़ के, लेकिन ये हमारी फिश बिल्कुल ठीक है और हमारी दूसरी ऑस्कर फिश भी बिल्कुल ठीक है और पैरेट फिश नजर नहीं आ रही। मुझे जो लगता है दोस्तों ये आपकी दुआओं के नतीजे से ठीक है मछली, नहीं तो कल यार बिल्कुल लग रहा था कि ये मर जाएगी, लेकिन आज बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है, ऐसे लग रहा है इसको कुछ था भी नहीं। तो अभी दोस्तों हम जाते हैं ऊपर ना फाउंटेन में पानी भरना है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये क्या यार, ये घर वालों में रखे होंगे, उनकी नजर में हमारी मुर्गियां ऊपर है, हालांकि मिनी जू में रखने चाहिए ये। अच्छा हाँ, उनको नहीं पता क्या, व्लॉग नहीं देखा उन्होंने? नहीं देखा होगा ना। चलो ये फिर नीचे ले जाओ ना तुम। हाँ ले जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो अभी हम कर रहे हैं यार फाउंटेन की सफाई, और आज हम सोच रहे हैं कि इस फाउंटेन में ना हम मछलियां लेकर आएं और इस फाउंटेन को मछलियों से आबाद कर दें। पहले भी हमारे इस फाउंटेन में बहुत ज्यादा मछलियां हुआ करती थी, लेकिन फिर फाउंटेन को हमने छोड़ दिया था, इसके अंदर मछलियां वगैरह नहीं रखते थे क्योंकि मर जाती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ठीक रहेंगी। और अभी सिप्टन जल्दी से तुम ये डाल के आओ मिनी जू में। वो मरी इसलिए थी क्योंकि वो उसमें टाइल्स लगा ली थी इस वजह से, और हीटर भी फटा था हमारा। हाँ, वही इस वजह से फिर हमने ना छोड़ दिया था यहाँ पर मछली रखना, लेकिन अब हमारी टाइल्स भी चली गई हैं और यहाँ पर अभी मौसम भी ठीक है, सर्दियां नहीं है। हाँ, तो हमारी मछली यहाँ पर मजे से घूमती रहेंगी जैसे पहले हुआ करती थी। तुम ये डाल के आओ ना, मैं सफाई करता हूँ, मैं ड्रेन खोल देता हूँ दोस्तों, ठीक है? ये जो मैला पानी है सारा का सारा चला जाएगा नीचे, और फिर हम इसमें ताजा पानी भरेंगे और फिर ना हम जाएंगे मार्केट। तो ड्रेन खोल दिया है, पानी सारा निकल जाएगा। अब डाल दो सबको। सिप्टन ने वहां पर सारे परिंदों को ना खाना दे रहा है और उसने डाल भी दिया है। आ जाओ जल्दी ऊपर आ जाओ, आप पीछे बैठो ना, मैं भी पीछे बैठूंगा। हाँ चलो। तो मैं, सिप्टन और शयान दोस्तों जा रहे हैं मछली लेने, ऊपर पानी भर रहा है, तो जब तक हम आते हैं तो फुल हो जाएगा पानी, तो फिर आकर हम मछली छोड़ देंगे। पहुंच चुके हैं चाचू। हेलो, क्या हाल है? ठीक है सर, हम मछली वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। बड़ी मछलियां यहाँ पर हैं और छोटी मछलियां, मैं कहता हूँ छोटी भी लेते हैं बड़ी भी लेते हैं, कुछ बड़ी ले लेते हैं कुछ छोटी ले लेते हैं, लेकिन छोटी नजर नहीं आएगी ना फाउंटेन में यार। अच्छी लगी यार, बड़ी छोटी को खा लेती हैं यार, फिर फायदा। तो फिर बड़ी ही लेते हैं, बड़ी फिर खा, याद नहीं आधी आधी हुई बड़ी होती थी। हाँ हम फिर बड़ी लेते हैं, छोटी नहीं लेते। चलो यहाँ पर ना यार बड़ी फिशेज हैं जो कि हमें चाहिए और बहुत ही प्यारी हैं, कलर भी बहुत अच्छे, ये कलर चाहिए था हमें, हम ये वाला लेते हैं अभी। बाकी यहाँ पर छोटी भी हैं, ये भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन इनको खा जाएंगी बड़ी फिशेज, इसलिए हम ये छोटी वाली नहीं ले सकते यार। ये हमने बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ ले ली हैं, कलरफुल ले ली हैं, व्हाइट में भी हैं, ऑरेंज में भी हैं, ज्यादातर ऑरेंज है, एक ब्लैक में भी है। आज हमने काफी दिनों के बाद ये वाली मछलियां ली हैं और अब हम जा रहे हैं घर और इन मछलियों को ना फाउंटेन में शिफ्ट कर देंगे। अभी तो ये शॉपर में है, तो बस जल्दी से हम पहुंचते हैं और इनको जाके छोड़ते हैं। मछलियां लेकर आए मामू, जल्दी आओ ऊपर चलते हैं। पानी फुल हुआ है सिप्टन? नहीं यार अभी रहता है थोड़ा सा रहता है बस। लेकिन काफी है, इतना भी साफ सुथरा लग रहा है सिप्टन फाउंटेन हमारा। अब इसको पता है। तो अभी दोस्तों पहला काम हम यही करते हैं जैसे शयान ने बोला है, तो हम मछलियां समेत ये शापर यहाँ पर ना फाउंटेन में से छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए हमने किया है ताकि इस पानी का टेम्परेचर और इस पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, फिर हम इसको इसके अंदर छोड़ेंगे। नहीं खाएंगे पागल। तो मछलियों को थोड़ी देर में हम पानी के अंदर छोड़ेंगे। अभी ना मैं ऐशमनों को देखने आया हूँ, इन दोनों की तबीयत सही नहीं थी ना कल परसों से, अब दोनों ही बेहतर लग रहे हैं मुझे, काफी फ्रेश भी लग रहे हैं दिखने में और जो है ना इनकी तबीयत भी सही हो रही है। अभी यार मैं क्या चेक करता हूँ, हमारी नई बकरी जो आई थी ना नवीद भाई की, उसका बच्चा और वो बकरी ठीक है कि नहीं। अब भाई तुम चलते क्यों नहीं हो, हर वक्त बैठे रहते यार, ये चलता बहुत कम है, पता नहीं बल्कि चलती। यार ये तो लड़की है, मैं भूल जाता हूँ, ये बहुत स्लो चलती है और अभी एक्टिव इतना नहीं, क्योंकि इसको दो दिन ही हुए हैं इस दुनिया में आए हुए, बाकी ये एक्टिव है और ये हेल्दी भी है, बस थोड़ा कम चलती है, इसकी आदत नहीं है भागने वाली, जैसे बच्चे भागते हैं ना वैसा नहीं करती है, ये शरीफ सी है बस, क्यूट सी। हाँ तो आप आ जाओ ऊपर में। हाँ अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बुला रहे, कहते आज हम मछलियों को ना वापस छोड़ते हैं फाउंटेन के अंदर। हाँ लेते हैं ना पौधे जो नहीं थे नकली, हाँ जो एक्वेरियम में हमने नहीं डाले थे, हाँ वो वाले लेके फाउंटेन में रखो। ओके ओके सर, ये वाले पौधे भी ना हम
फाउंटेन के अंदर डालेंगे और खूबसूरत लगेंगे अभी। नीचे 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 ऐसे, ये वाला भी ले लो ऐसे, सारे प्यारे लगेंगे। ये यहाँ पे रख दो, यहाँ पर, हाँ उस पाइप के साथ ऐसे, मज़े का हो गया यार। हाँ भाई छोड़ रहे हो तुम मछलियाँ मुझे लगता है। पहली मछली फाउंटेन में, जाओ भाई तुम्हारा नया घर, तुम्हें मुबारक हो। क्या बात है, आप उठा लो ना खुद, चलो उठाओ, चलो चलो डालो। क्या बात है, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, ऐसे आने दो आने दो आने दो आने दो ना सारे ऐसे, ओ गया सारी आ गई एक साथ। यहाँ पर देखे लग रही यार, हाँ यहाँ पर हमने 12 की 12 मछलियाँ छोड़ दी हैं और अभी थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही है अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में ना यहाँ पर ये इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगी। मार तू चला के, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऐसे, ये वाली जाओ भाई चला के जाओ जाओ जाओ। तो यार तुराब ने आबशार को भी चला दिया है, तो ये पानी जब नीचे गिरेगा ना तो बबल्स बनेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन जनरेट होगी थोड़ी थोड़ी, और ये हिलते हुए पानी में ना ज़्यादा खुश रहती हैं मछलियाँ, तो इस वजह से ये करना ज़रूरी था। आबशार चलाते हैं ना फिर मछलियाँ हमारी खुश रहेंगी। यहाँ पर सारी दोस्तों मछलियाँ एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अंदर ये कैसी लग रही हैं। अभी दोस्तों हम इन मछलियों को खाना नहीं डालेंगे, 24 घंटे जब गुजर जाएंगे ना फिर हम इनको खाना दे देंगे। अभी हम जाते हैं नीचे बकरियों को घास वगैरह देने, यार शाम का टाइम हो चुका है। आओ शायन आओ सीते ना जो चले चले दोस्तों मिनी से चलते हैं। तो अभी दोस्तों मेरे हाथ में है जैक और विजी का खाना। शाम की डाइट इनकी पता है दोस्तों क्या होती है, फ्रूट्स सब्जियाँ मिक्स करके ना मैं इनको खिलाता हूँ। तुम एक उठा लो ना ऐसे गिर जाएगा, एक लगा दो खिलाता हूँ ऐसे। चलो विजी तुम भी ऐसे फिर हाथों से खा लो, आ जाओ शाबाश। इनको बाहर ले, बाहर आ जाओ मेरे पास आओ, आओ बाहर चलें। तो जैक और विजी दोस्तों अपनी अपनी डाइट खा रहे हैं और इनको ये डाइट बहुत ज्यादा पसंद है, देखें किस तरह से शौक से खा रहे हैं। और मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है इसको खाने का, मेरा भी दिल कर रहा है यार, एक किस्म का सैलेड है ये बिल्कुल। चलो भाई खाओ खाओ विजी जैक, जल्दी से खाओ हेल्दी हो जाओ, और अंडे भी दो विजी, काफी दिन हो गए हैं ऐसे ही हो तुम यार, अंडे वंडे दोगी तो मजा आएगा। तो अभी यार जैक और विजी को यहाँ पर बिठा रहे हैं स्टैंड पर, ये आराम से खाते रहेंगे दोनों। चलो भाई विजी ये तुम्हारा खाना यहाँ लग चुका है, चलो खा लो, जैक का यहाँ लग चुका है। चलो जैक और विजी यहाँ पर खाते रहो सुकून से, लड़ना वड़ना नहीं है सही है, ओके बाय बाय। ले जो सिप्टन ले जो शाबाश। इनको सिंपल घास क्यों देते हो, चोकर थोड़ा थोड़ा डालना, थोड़ा ज्यादा नहीं, बस काफी है सिप्टन, पहले भी डाला हुआ है। अच्छा चलो काफी है बस। क्यों करवाते हो ऐसे काम जो मुझे नहीं आते, तुमने बोला था कि मैं करता हूँ आज, सारा का सारा यार घास नीचे गिरा दे, ये देखो शर्म नहीं आती यार, ऐसे कर देते हैं। चलो भाई यहाँ पर रख दिया है, उए, उए। यार थोड़ा आप इसको देखा है तुमने, टर्की बर्ड का आधा हिस्सा कहाँ गया है, पूछ गुम है इसका। मैंने भी सुबह देखा इसका हंसी आई ना सिद्धार्थ, मुझे देखो बेचारी कैसी लग रही है। इसको हुआ क्या है यार, इसके साथ क्या हुआ यार तुम्हें, ये देखिए आधी है इसका, इतना लंबा पूछ होता है। गर्मियों में फिर मौसम जो है चेंज होगा, इनके नए पर आएंगे। अच्छा प्यारी हो जाएगी मजीद, अभी थोड़ी सी कुछ नहीं होता। चलो फिर ठीक है, अगर इसे खुद गिरा तो फिर ठीक है। जब से मिनी जू में मुर्गियां वगैरह आई है ना तो हमारे ऐश वो ना यार बेचारे तंग होते हैं बहुत, अंदर ही रहते हैं सारा दिन सारी रात, को भी अंदर होते हैं सुबह भी अंदर होते हैं दोपहर में भी अंदर। अभी तो खोल दो, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं इनको क्योंकि हम साथ खड़े हैं, अकेला खोल नहीं सकते इनके साथ, अगर खोल लिया तो सारे मिनी जू के परिंदे ऐश मार डालेगा एक सेकंड में, कातिल है बहुत बड़ा। आज ऐश हो ना थोड़ा सा घूम लो, आज ये हुई ना बात, देखो ऐश माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया, क्यों ना भी बड़ी लग रही है अभी तो। हाँ भाई मुझे ही ना मार डालना। मेरे पास आ जाओ, खेलो खेलते हैं तुम्हारे साथ, खेलते हैं यार, ये तो खेलने लग गए अब तो, बस खेल खेल में मार ही ना डालना किसी को। भाई तुम्हें समझ गए हम, तुम्हारी अदाओं को हम जान चुके हैं।
आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होता जा रहा है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इस तरफ देखेगा फिर आगे बढ़ेगा, इस तरफ देखेगा फिर आगे बढ़ेगा। अब ये देखें शिकार करने के मूड में है और ये कर भी लेगा। हम पीछे से देख रहे हैं इसको, ये क्या करता है। तुम जितनी एक्टिंग कर लो ना, फिर भी हमें पता चल चुका है तुम क्यों इस तरफ आ रहे हो, लिहाजा उस तरफ जाओ। चलो शाबाश, भागो। तो रात होने वाली है दोस्तों, और मेरे ख्याल में आज बारिश भी आएगी। वो देख रहे हैं दोस्तों, सामने बादल आना शुरू हो गए हैं, कुछ टाइम के बाद शायद बारिश आ जाए। और अब हम अपनी मछलियों को देखने के लिए आ गए हैं कि देखते हैं कि वो अब सुकून से घूम रही हैं, एक ही जगह पर तो नहीं खड़ी हुई। क्या है यार अपडेट? कुछ ये हैं सिद्धैन, ये देखो, कुछ ये घूम रही हैं, कुछ वो घूम रही हैं, भाग दौड़ रही हैं। यार इसका मतलब ये हुआ कि ठीक होती जा रही हैं ये। देख रहे हैं दोस्तों, ये देखें, ये हमारी जो मछली है ना, अब ये मजे में है। और कछुए भी साथ में है यार, सिद्धैन देख रहे हो, जोजो और उसका दोस्त, आपस में दोस्ती होगी भाई। बात ये देखें यार, कछुए और मछलियां हमारी आपस में मिलजुल के रह रही हैं अब, माशाल्लाह। चलो यार इनके लिए अच्छी जगह ये सिद्धैन, ये अबशार खोल दो ना यार, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मर जाएंगी फिर। ऑक्सीजन नहीं आती यार इससे, पानी लहराता है। नहीं नहीं, बुलबुले बनते हैं तो फिर ऑक्सीजन हो जाती है। तो खैर दोस्तों, हमारी मछलियां बहुत ज्यादा खुश हैं, ये देखें कैसे भाग दौड़ रही हैं। तो हम यही चाहते थे कि हमारे फाउंटेन में मछलियां हैं और यहां पर वो रहें खुशी खुशी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बहुत मिक्स हो गया इनके अंदर, ये कौन सा, ये हाँ जी माशाल्लाह, ये तो काफी बड़ा हो गया। चलो यार कोई नहीं, और भी तो थे, और देख मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ तुम भी पीछे आ जाओ।